हेलो फ्रेंड्स, आज हम सिक्योर आई के बूम बैरियर के कनेक्शन के बारे में जानेंगे। इसके अंदर जो इंस्टॉलेशन के बाद कनेक्शन और इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, उस चीज़ के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। बेसिकली ये जो अभी आप फ़ोटो देख रहे हैं, ये बैरियर के साथ जो कंट्रोलर लगा होता है वो सर्किट की फ़ोटो है। और इसके साथ एक देखिए, ये फ़ोटो बीम सेंसर अटैच होता है जो कंट्रोलर, बैरियर का जो कंट्रोलर होता है एक उसके पास लगा होता है। एंड दूसरा जो है वो इसके सेकेंड इंड पे देखिए ये लगा हुआ है। इसको ट्रांसमीटर और रिसीवर भी कहते हैं। और बेसिकली इसका कनेक्शन जो बहुत ही सिंपल है। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हमारे, क्या क्या डिवाइस यूज़ होते हैं। तो जो सबसे पहला जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो एक्सेस कंट्रोल होता है। दूसरा जो है वो हमारा UHF होता है। और तीसरा होता है फ़ोटो बीम सेंसर। वन बाय वन हम इसके कनेक्शन के बारे में जानेंगे कि एक्सेस कंट्रोल से कौन सी वायर आती है और कहाँ कौन से पोर्ट पे लगती है। फिर इसी तरीके से UHF के बारे में जानेंगे, फिर फोटो बीम सेंसर के बारे में। तो हम कंट्रोलर से शुरू करते हैं। कंट्रोलर से बेसिकली दो वायर आते हैं, एक कॉम बोल के एक वायर होता है और दूसरा NO। वो जो हमारा कंट्रोलर से वायर आएगा वो बैरियर के कंट्रोलर के कॉम का वायर जो आ रहा है वो कॉम के ऊपर लगेगा। देखिए आप यहाँ देख रहे होंगे, कॉम के ऊपर लगेगा। और जो हमारा NO होगा नॉर्मली ओपन, वो अप सिंबल आप देख रहे होंगे, अप के ऊपर लगता है। उसके बाद इसी तरीके से हमारा जो ये फ़ोटो बीम सेंसर है, तो इसको एक तो बेसिकली 12 वोल्ट पावर लगता है। तो आप देख रहे होंगे ये ऑरेंज और वाइट, ऑरेंज जो है हमने इसको प्लस वोल्ट 12 वोल्ट दिया है, और वाइट ऑरेंज जो है इससे हम इसके थ्रू हमने इसको ग्राउंड दिया है। तो ये दोनों भी ट्रांसमीटर और रिसीवर को पावर लगता है। और जो बैरियर के पास जो कंट्रोलर है उसके साथ जो अटैच होता है हमारा, उसके वहाँ से दो कनेक्शन निकलता है। एक तो कॉम निकलता है और दूसरा एक आयर का कनेक्शन। कॉम को कॉम के ऊपर कनेक्ट कर देना है और दूसरा जो हमारा फ़ोटो का ऑप्शन रहेगा उसको यहाँ आयर के ऊपर कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद हम जानेंगे UHF के कनेक्शन के बारे में कि UHF का कनेक्शन कैसे देना है और वो कहाँ से आता है। ये देखिए, ये बैरियर का पूरा कंट्रोलर की सर्किट है। और इसके अंदर देखिए, हम आपको थोड़ा इसके इंटरनल और बैरियर से जो कंट्रोलर जुड़े होते हैं तो उसके थोड़ा इंटरनल पार्ट के बारे में आपको बता। देखिए ये इसका मोटर लगा होता है, जिस मोटर के थ्रू ये क्या है हमारा जो बैरियर को अप डाउन करता है। ये देखिए इसके इंटरनल, ये देखिए ये एक एंटीना, इसको एंटीना बोलते हैं। ये एंटीना भी लगा हुआ है जिसके ज़रिए क्या होता है, हमारा जो सिग्नल ट्रांसमिट और रिसीव होता है तो ये एंटीना के ज़रिए ये रिसीव करता है। ये देखिए बेसिकली, और ये जो हमने पावर पॉइंट दिया है इसके अंदर, तो ये इसका एक पावर पॉइंट है। तो बेसिकली ये कंट्रोलर जो बैरियर से जुड़े हुए होते हैं उसकी बेसिकली मेन मदरबोर्ड कह लीजिए या फिर मेन जो सर्किट है वो ये सर्किट। देखिए ये सिक्योर आई का UHF है। अभी हम लोग इसके कनेक्शन के बारे में जानेंगे कि UHF के अंदर कितने कनेक्शन होते हैं, वो कनेक्शन कहाँ से आते हैं और कौन से वायर को कहाँ हमें ज्वाइंट करना है, वो कनेक्शन के बारे में जानेंगे हम लोग। ये देखिए, ये जो वायर आ रहे हैं ये UHF से वायर आ रहे हैं। तो इसके जितने देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे वायर दिए हुए हैं, तो सारे वायर के बारे में वन बाय वन जानेंगे। बेसिकली ये जो होता है इसको बोलते हैं कॉम पोर्ट। जब हम UHF का कॉन्फ़िगर करते हैं या फिर जब हम जो भी RFID टैग होता है जब उसको रीड और राइट करते हैं, तो उस वक्त हमें ये USB पोर्ट जो होता है ना, ये USB कनेक्टर, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिकली उस चीज़ के लिए, हमारे जो भी RFID टैग होते हैं उसको रीड और राइट करने के लिए दिया होता है। और जो भी माइक्रो RFID जो होते हैं, हमारे UHF टैग होते हैं, UHF टैग का कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम सीरियल पोर्ट के थ्रू लैपटॉप से कनेक्ट करके करते हैं। UHF का जो सबसे मेन चीज़ है, इसको 12 वोल्ट पावर लगता है। तो देखिए हमने ये प्लस जो आ रहा है UHF का, उसको यहाँ से हमने 12 वोल्ट दे दिया है और यहाँ से हमने ग्राउंड दे दिया है। तो इसको क्या है, 12 वोल्ट पावर्स पे ऑपरेट होता है ये, तो हमने इसको यहाँ से 12 वोल्ट दे दिया। उसके बाद बेसिकली और दूसरा कनेक्शन इसके अंदर क्या होता है, एक तो होता है डेटा ज़ीरो। यहाँ पे देखेंगे एक ब्लू कलर का वायर है, तो ये ब्लू कलर का वायर जो है वो डेटा ज़ीरो का वायर है। और ये ग्रीन कलर का जो वायर है, अगर हम UHF के अंदर देखेंगे तो डार्क ब्लू, ये जो है डेटा ज़ीरो के, एक डेटा ज़ीरो होता है, एक डेटा वन का कनेक्शन होता है। यहाँ पे बेसिकली दो ही चीज़ होती है, एक तो क्या है 12 वोल्ट पावर, वोल्ट देते हैं, DC वोल्ट देते हैं, और दूसरा क्या होता है डेटा वन डेटा ज़ीरो। ये जो हमारा कनेक्शन होता है, ये जो एक्सेस कंट्रोलर है, कंट्रोलर के पास ये कनेक्शन जाता है, वहाँ से एक्चुअली ये जो पावर बेसिकली इसको मिल रहा है, ये कंट्रोलर के पास से पावर मिल रहा है। 12 वोल्ट वहाँ कंट्रोलर के पास से 12 वोल्ट दे रहे हैं, ग्राउंड से हम यहाँ ग्राउंड डायरेक्ट कनेक्शन कर दिए, और डेटा वन को कंट्रोलर के डेटा वन में और डेटा ज़ीरो को कंट्रोलर के डेटा ज़ीरो में कनेक्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सिक्योर आई बूम बैरियर की मेन मशीन है, जिसको हम कंट्रोलर के नाम से बोल रहे थे आपको। देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, तो ये एक्सेस कंट्रोल की मेन मशीन है, कंट्रोलर है ये। देखिए इसको हमने यहाँ से पावर दे रखा है,
इसके बेसिकली दो एंड्स होते हैं, एक तो हमारा ये कंट्रोलर का एंड हो गया, दूसरा एंड जो हो गया बैरियर साइड पे लगे होते हैं, वहाँ पे हमारा यूएचएफ होता है। तो हमने आपको जो बैरियर के पास एक कंट्रोलर लगा होता है उसके बारे में बताया, यूएचएफ के बारे में बताया, वो सारे कनेक्शन जो हैं बेसिकली यहाँ पे आते हैं, ये एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के अंदर ये कनेक्शन आते हैं। देखिए हम आपको वन बाय वन बताएंगे, शायद अगर आप देख पा रहे होंगे तो। देखिए हमने आपको बताया था कि यूएचएफ को जो हम पावर देते हैं वो बेसिकली हम एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के अंदर से जाता है। यहाँ देखिए 12 वोल्ट है, यहाँ से यूएचएफ को हम पावर दे रहे हैं 12 वोल्ट, और दूसरा यहाँ से ये ग्राउंड जा रहा है, ये केबल आप देख रहे होंगे ग्राउंड का। तीसरा हमने आपको बताया था कि जो बैरियर के साइड में कंट्रोलर लगा हुआ है यहाँ से उसको एक कॉम पोर्ट जाता है, कॉम का वायर यहाँ से जाता है वहाँ कनेक्ट होता है। दूसरा जो वहाँ अप का एक पोर्ट होता है, अप के ऊपर एनओ को लगाते हैं। तो ये बेसिकली कंट्रोलर और यूएचएफ का हो गया। एंड देन फाइनली एक यूएचएफ के अंदर जो डेटा वन डेटा ज़ीरो के बारे में हमने आपको बताया था, तो शायद आप देखेंगे, यहाँ देखिए ये आपको दिखेगा, ये देखिए ये रहा डेटा वन एंड डेटा ज़ीरो। डेटा वन को यूएचएफ के डेटा वन पे लगा कनेक्शन करते हैं, डेटा ज़ीरो को डेटा ज़ीरो के ऊपर कनेक्शन करते हैं। और उसके बाद जो हमारा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल्ड होता है उसका कनेक्शन भी यही एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के पास से जाता है। यहाँ देखिए ये TCP/IP का कनेक्शन दिया हुआ है, कैट 6 केबल के थ्रू हमने एक्सेस कंट्रोल सिस्टम को कंप्यूटर से फिर कनेक्ट करते हैं। तो अभी चलिए हम आपको लेके चलते हैं सीधे कंप्यूटर के ऊपर, सॉफ्टवेयर के ऊपर, कि वहाँ पे फिर ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है उसके बारे में भी जानेंगे हम। फाइनली अब हम आ चुके हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ऊपर। देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये एक्सेस कंट्रोल सिस्टम बोलकर ये एक सॉफ्टवेयर है, ये जो है हमारा सॉफ्टवेयर है बैरियर का। इसको ओपन करेंगे, सॉफ्टवेयर के बारे में भी थोड़ा जानेंगे कैसे काम करता है क्या है। जब आप सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक आपको लॉगिन पेज आएगा, यूज़र नेम पासवर्ड का, यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन रहेगा, पासवर्ड आपको ब्लैंक ही रखना है। उसके बाद ओके करेंगे, ये देखिए ये हमारा, ये देखिए देखिए यहाँ पे हमारा, देखिए बेसिकली ये जो हमारे इस साइड के ऊपर दो डोर लगे हुए हैं, डोर वन डोर टू, एक एंट्री के लिए हमने डोर वन यूज़ किया है और एग्ज़िट के लिए हमने डोर टू यूज़ किया है। तो इसके लिए यहाँ पे डोर वन डोर टू बता रहा है, अगर आपके पास एक किट रहेगा तो वहाँ पे सिर्फ, ये बेसिकली डोर वन डोर टू ये यूएचएफ को बता रहा है, अगर आपके पास एक डोर है तो सिर्फ वहाँ पे डोर वन रहेगा। दूसरा देखिए ये कनेक्शन जो है TCP/IP का कनेक्शन यहाँ पे आ रहा है, टू डोर्स का बेसिकली हमने, ये मेरा साइट है, ये बेसिकली आईपी एड्रेस होता है जिसके थ्रू ये कनेक्ट होता है। देखिए इसके अंदर ऑप्शन होते हैं, डिवाइस के ऑप्शन होते हैं, ऑथोरिटी होते हैं, कार्ड होल्डर होते हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे कि हमने जो जितने सारे यहाँ पे RFID कार्ड ऐड कर चुके हैं वो किधर है और कैसे ऐड करते हैं, वो भी थोड़ा आपको ब्रीफ में बताएंगे। देखिए यहाँ पे कार्ड होल्डर के अंदर जब हम जाएंगे तो फिर देखेंगे जो भी जितने सारे आप ऐड कर रहे हैं RFID टैग आप ऐड किए हुए हैं आप अपने कंट्रोलर के अंदर, सब यहाँ पे शो करेगा। देखिए यहाँ से अगर हम डाउन करते हैं, देखेंगे यहाँ से डाउन करेंगे तो ये देखिए ये इतने सारे हमारे कार्ड ऐड हैं। फाइनली बेसिकली एक्चुअली हमें ये बताना था आप लोगों को कि हाँ देखिए जैसे ही कोई गाड़ी सब जाता है ना यहाँ पे, इसके लिए मेन ये हमें बताना था आपको। तो ये देखिए डेट 1 दिसंबर 2020 12:20 PM पे कौन सी गाड़ी कितने बजे खुली, हमने उसका नाम दे रखा है, वो जो RFID टैग जो है किस बंदे को अलाव है, किस आदमी को अलाव है, वो जो टैग है उसका नंबर क्या है, ये कौन से साइड पे है और ये कितने बजे खुला। जब ये इवेंट हमारा इफेक्टिव बताएगा इट मीन्स कि वहाँ पे इतने बजे ये हमारा जो बैरियर है वो ओपन हुआ है। ये देखिए यहाँ पे सारा डिटेल्स इसके ऊपर आ जाता है कंप्यूटर के ऊपर। तो यहाँ से हम इवेंट, देखिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक, ये देखिए ये लॉग है, यहाँ से आप लॉग फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से आप इवेंट फाइंड आउट कर सकते हैं और यहाँ पे कार्ड इवेंट बताता है। तो बेसिकली इवेंट के अंदर हम ये सारी चीज़ यहाँ से चेक करते हैं कि कब हमारे कौन सी गाड़ी कितने बजे आई कितने बजे गई। देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ शो करता है, यहाँ पर शो करता है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।